तो हे गाइस, कैसे हैं गाइस? अच्छे हैं गाइस। तो गाइस, आज हम लोग आलू और प्याज का सब्जी बनाएंगे गाइस, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं गाइस, इसलिए हम आपको नहीं दे पाएंगे गाइस। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा तो स्वागत है आपका मेरे पहले ब्लॉग में। जी हाँ, हे गाइस, हे गाइस, गाइस, हे गाइस। तो हे गाइस, फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मेरे को भी करना है ब्लॉगिंग। बाहर पट गया डिसीजन ये ब्लॉगिंग करने का। अबे साले भाई साहब, जब से ब्लॉगिंग की बीमारी फेमस हुई तब से हर दूसरा बेरोजगार अपने आप को इंडिया का बेस्ट ब्लॉगर समझता है। यू आर राइट ब्रो। वेलकम आंटियों एंड आंटियों, मैं और मेरे पापा मैकडोनल्ड आए हुए हैं। मैकडोनल्ड? वो क्या होता है? मैकडोनल्ड। अच्छा, हम अंदर गए, हमने उनसे पूछा है कि एक बर्गर कितने का है। उन्होंने बोला है 700-800 का है। मैंने बोला है पापा आओ चले रेडी से, हम लेकर खा लेते हैं, ये बहुत महंगा दे रहे हैं। हाँ भाई, ये बात तो सही, बहुत महंगा देते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम बनाएंगे माय फर्स्ट ब्लॉग। जी हाँ, जिस चूते को देखो, माय फर्स्ट ब्लॉग बनाने में लगा हुआ है। और ये जितने भी फर्स्ट ब्लॉग वाले ना, सब एक ही डायरेक्ट चिपकाते हैं। फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भी आज से ब्लॉग बनाऊं। डिसाइड तो ऐसे बोल रहे जैसे अगला प्रधानमंत्री यही बनने वाले। जली ना तेरी भी जली ना। तो दोस्तों, जब ये ब्लॉगिंग की परंपरा आरंभ हुई तब हमें कुछ अच्छे अच्छे चित्र देखने को मिलते थे, लेकिन कुछ दिन बाद यहाँ पर छुट्टी आपको होने लगा और ब्लॉगिंग के नाम पे हमें घर की पंचायतें देखने को मिलने लगे। वेलकम टू माय YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है गाइस। मतलब मैं ब्लॉग बना रही हूँ कि अपने ब्लॉगिंग के माध्यम से छोटे बच्चों को डराने का कार्य कर रही हो? साला कान में से खून निकाल दिया बे। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा। खैर देखो आगे क्या बकचोदी करती है ये मोहतरमा। इनकी गर्लफ्रेंड आ चुकी है जो बरसों से इंतजार था। मतलब मेरी गर्लफ्रेंड के लिए हम एक साल इंतजार किए, एक साल। अरे आप लोग टुकुर टुकुर देख कर रहे हो, बुक में नोट करो, कहीं किसी के क्वेश्चन में ना आ जाए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। मतलब मेरी गर्लफ्रेंड के लिए हम एक साल इंतजार किए, एक साल। एक साल इंतजार किए, एक साल। पूछ रही है कौन से एंगल से तेरे को एक लग रहा है? ये वही लोग हैं जो सुबह सुबह लिटरिंग में हगने की बजाय यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। तो चलिए अभी आप लोग से हम इंट्रोस्टेशन करते हैं। क्या बोला तूने? इंट्रोस्टेशन करते हैं। हाँ ये कर लो, पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। इंट्रोस्टेशन करा था। ये पोस्टर वाले क्या कर रहे हैं, मुझे घंटा समझ में नहीं आ रहा है। साले ब्लॉगिंग के नाम पे अपना सड़वा दांत दिखा रहे हैं। और जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को दिखा, हमारा मन बहुत उत्सुक है। देखो आए हाय, आखिरकार एक साल बाद इनकी गर्लफ्रेंड मिली गई। A few moments later. आखिरकार हमारा दुख खत्म क्यों नहीं होता बे? खैर को नहीं आई, इनकी प्रेमिका को देखते हैं। आप लोग कमेंट तो करते हो, पर ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि गलत फहमी में हर कोई होता है। तो आप लोगों को जब बताते हैं तो सुनना भी चाहिए, आप सुनते नहीं हो। सो बात बता के भी आप अनजान होते हो कि आपको पता होता है या नहीं पता, ये तो हमें नहीं पता। फिर भी आप कमेंट करना बंद कर दो प्लीज। मोहतरमा क्या प्रवचन की गई, हमें तो घंटा समझ में नहीं आ रहा। You are right, bro. अब जो हुआ सो हुआ, बात खत्म करो सब कोई। वो सब तो ठीक है मोहतरमा, लेकिन इसमें आप काहे घुस रही हो? सब जानना है इस बड़े को। साला इनका रियल लाइफ से घंटा कुछ लेना देना नहीं रहता, लेकिन ये ब्लॉगिंग के नाम पे एक सड़ी गली कहानी बनाकर यहाँ पर सुना देते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो गाइस, और अपने ब्लॉगर दोस्त में शेयर कर दो गाइस। और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। तब तक के लिए मैं चला आलू और प्याज की सब्जी बनाने गाइस।